5 सितंबर को रोहतक के सांपला से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का समापन हुआ। बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में होते हुए बीती शाम को पलवल पहुंची और जोरदार स्वागत के बाद महात्मा गांधी आश्रम में यात्रा का समापन हुआ, जहां आपके राज्यसभा सांसद व हरियाणा के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और भाजपा की केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुशील गुप्ता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि 3 काले कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, क्योंकि किसान लंबे समय से बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। आम आदमी पार्टी ने किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा की शुरुआत की। केंद्र सरकार पिछले 1 साल से किसानों के प्रति जितना उदासीन है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 महीने से ऊपर, लगभग 10 महीने से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिल के किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ये जब 3 अध्यादेश आए थे उस समय इसका विरोध शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने ना संसद में सांसदों की सुनी और ना ही किसान संगठनों से बात की, और जल्दबाजी में अडानी और अंबानी के दबाव में ये 3 बिल लेकर आई। 3 बिलों को भी वोटिंग मांगने के बाद भी बिना वोटिंग के उन 3 बिलों को पास किया, गैर कानूनी तरीके से किया। जब अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव हम लाए तो उसको भी बिना वोटिंग के अविश्वास के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वहीं सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार को गैर नैतिक सरकार बताते हुए कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। जरा सुनिए खास बातचीत के दौरान क्या कहा। रोहतक के सांपला से 5 सितंबर को शुरू हुई किसान मजदूर बचाओ खेत बचाओ यात्रा आज पलवल पहुंची है। हरियाणा के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद यहाँ गुप्ता जी पहुंच चुके हैं। क्या कहोगे गुप्ता जी, किस तरह का रुझान देखने को मिला लोगों में, कैसा माहौल था आपकी यात्रा को लेकर, क्या इसका मकसद है? किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का मकसद यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को जागरूक करना, जो खट्टर सरकार ने भूमि छीनना शुरू कर दी है उस कानून की उनको जानकारी देना, बिना पैसे के किसान की जो ज़मीन हथियाई जा रही है उसके विषय में किसान को अवगत कराना, और ये 3 काले कानूनों के विरुद्ध जो किसान बैठे हुए उनके समर्थन में यात्रा निकाली गई। आप हर जिले से आपकी यात्रा गुजरी, कैसा जन समर्थन मिला लोगों का, किसानों के आप धरने पर भी गई, क्या भरपूर जन समर्थन मिला? जहाँ जहाँ टोल पे जो धरना हमारे यात्रा के रास्ते में आया, हम सब जगह गए, वहाँ पूरा समर्थन मिला। हर गांव में, हर शहर में हजारों की संख्या में लोग कुछ देर साथ चले और पूरा भयंकर जो बदलाव मैं हरियाणा के अंदर महसूस किया, हरियाणा के लोग एक बदलाव चाहते हैं। किसान परेशान है, युवक भी बेरोजगारी से परेशान है, तो दोनों ने भरपूर समर्थन दिया। जिस आम आदमी पार्टी भी खुलकर किसानों के समर्थन में आ रही है, क्या लगता है कृषि कानून रद्द होंगे? दूसरी पार्टियां भी समर्थन कर रही हैं। अगर कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे तो ये बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी कि कृषि कानून रद्द तो इनको करने ही पड़ेंगे, परंतु जितना किसान को परेशान कर रहे हैं उतना हिसाब भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ेगा। हाँ, एक चलन चल रहा है हर राज्य में, जो सीएम बदले जा रहे हैं, बात करें उत्तराखंड की, बात करें गुजरात की, या फिर पंजाब में सीएम कांग्रेस ने बदला है, क्या देखते हो हरियाणा में क्या होने वाला है? आपने कमेंट भी किया इस पर। ये जो आम आदमी पार्टी का बढ़ता दबाव है, जो दिल्ली का मॉडल है, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, ये हर राज्य की डिमांड है, और सीएम बदलने से बात नहीं चलेगी, ये इंजन बदलने वाली बात है। जहाज ही खराब है, ये जहाज को बदलना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का जहाज अब धीरे धीरे डूब रहा है, इसको ये बदलना पड़ेगा। पंजाब में जिस तरह से सीएम बदला है कांग्रेस ने, चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया है, दलित नेता हैं, आम आदमी पार्टी का वहाँ अच्छा देखने को मिल रहा था भविष्य में, अब क्या देखने भविष्य है पार्टी का, सरकार बनाएगी, क्या रहेगा आगे, किस तरह से मुकाबला देखेंगे? भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की साठ गांठ से पंजाब की सरकार थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आते थे, अमित शाह से मिलते थे, किसानों से नहीं मिलते थे। वहाँ पे बयान देते थे आंदोलन करना है तो हरियाणा में जाओ, दिल्ली के अंदर जाओ। किसानों के प्रति उनकी उदासीनता थी, और खुद कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, इस सीएम जिद्दी हो गया है, और उधर से कैप्टन
जो विरोधी खेमा सिद्धू का खेमा है उसको ये बताया कि ये देश की सुरक्षा के लिए घातक व्यक्ति है। ये दोनों का आप उनके अपने बयान है, हमारे ये हमारे बयान नहीं है, ये उन दोनों के बयान है। तो कांग्रेस का हाल ये हो चुका है, या तो कांग्रेस जीतती नहीं है, जीतती है तो अमित शाह जी के यहाँ से फाइल दिखा के वो बिक जाती है, और नहीं बिकती तो वो टूट जाती है। हरियाणा में भी भाजपा जिसपा नेताओं का जगह जगह विरोध होता है, विरोध कर रहे हैं जो हैं किसान हो या किसान यूनियन के नेता, किस तरह का भविष्य देखते हो आने वाले समय में, या सत्ता में रिपीट करेगी भाजपा, कौन सी सरकार आएगी आगे? देश और सारी दुनिया के अंदर मैंने हरियाणा पहला ऐसा राज्य देखा है जहाँ पे चुना हुआ मुख्यमंत्री, चुने हुए मंत्री अपने हलके के अंदर फंक्शन करते समय डरते हो। फंक्शन करते हुए तो 12 बजे का समय रखते हैं, मुख्यमंत्री जी 9 बजे रिबन काट के चले जाते हैं कि कोई जनता ना देख ले कि मैं आया था। तो ये विश्वास खो चुके हैं जनता का, ये अब गैर नैतिक सरकार है। जब जनता जिसको मानती नहीं है ये वो सरकार है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो वक्त आ रहा है लोग इनकी गद्दी को छीन लेंगे। ये थे हमारे साथ सुशील गुप्ता, सांसद और हरियाणा के सह प्रभारी, जिनका कहना है कि बढ़ती हुई जो लोकप्रियता है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, उससे विपक्षी पार्टियां घबराई हुई हैं, जिसकी वजह से जगह जगह राज्यों में सीएम चेंज कर रहे हैं। लेकिन सीएम चेंज करने से ये कुछ नहीं होगा, सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है, वो सिस्टम अरविंद केजरीवाल बदलेंगे, ये कहना है सुशील गुप्ता जी का। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।